अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज आप ये क्या बना रही हैं? आज ये मौसम के लिहाज से सर्दी का मौसम हो रहा है और मैंने कहा क्यों ना आलू के पराठे बनाए जाएं। और ये उसके लिए मैंने पीठी तैयार की है और इसमें मैंने देखे मिक्स कर रहे हैं इसको मसाले में। अब हम मज़ेदार से इसके पराठे बनाएंगे। बच्चों के भी फरमाइश है कि बारिश भी माशाल्लाह हो रही है और बारिश में तो ऐसे खाने वैसे बहुत अच्छे लगते हैं और आजकल वैसे भी कहीं आना जाना नहीं है। कोरोना की वजह से कह रहे हैं एहतियात करें जी, एहतियात करें, तो इसलिए हम कहते हैं घर में ही चटपटे खाने बनाए जाए और घर में इंजॉय करें आप। ये देखें बातों बातों में हमारी जो है ना मिक्सिंग आलू की पीठी तैयार हो गई है और मैं थोड़ा सा इसमें ऊपर कच्चा प्याज भी डाले और दो तो 3 मिनट के लिए इसको दम पे रखोगे। बच्चे उठ गए हैं, आज छुट्टी का दिन है, बच्चे अब इंजॉय करेंगे हमारे ये आलू के पराठे, गर्मा गर्म चटपटे पराठे। जल्दी से जब हम आलू की पिठी बनाते हैं तो इसमें आलू के चंक्स भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में जब हम पराठे बनाते हैं। तो ऑयल डाल दिया आपने? जी जी तो आप इस पॉइंट पे आ गए कि अब हमने ऑयल के साथ इसको तार किया थोड़ा जी, इसको लाल करेंगे हल्की आग पे। अब इसको जब हल्की आँच पे हम इसको सर्व करेंगे तो ये बड़े क्रिस्पी बनते हैं और बड़ा क्रंची बनेंगे। अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें पराठे देख के परेशान ना होइएगा, ये बड़े क्रिस्पी और आपका भी दिल चाहेगा हम बनाएं। प्लीज़ आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा। और वाह क्या मज़े मज़े के पराठे हैं, देखें ना घर की बात ही और है खानों की। कि मैं आपको वेदर का भी शेयर करूं कि वेदर के क्या मज़े हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह हवाएं चल रही हैं। अब देखिए मज़ेदार सा पहला पराठा रेडी हो गया और देखिए कौन खाता है। देखिए ना सर्दी का मौसम हो और गर्मा गर्म दूध पत्ती पराठे के साथ, ये इसका और ही मज़ा दोबाला है। और मीठी चाय और साथ पराठे, क्या मज़ा दे रहे हैं और बड़ा इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। आप मेरी वीडियो को शेयर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। और ये देखें कड़क कड़क पराठे हमारे तैयार हो रहे हैं। नाश्ता लेट हुआ है और खाना भी लेट ही होगा और इसलिए मैं ताज़ा ताज़ा चिकन आया था तो मैंने कहा क्यों ना चिकन कढ़ाई बनाई जाए आज इसकी फ्रेश फ्रेश। 3/4 कप मैंने ऑयल लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने साबुत ज़ीरा ले लिया और इसको हल्का सा सोटे करूँगी उसमें ऑयल में 20 सेकेंड के लिए। 1.5 टेबल स्पून मैं लहसुन अदरक का पेस्ट लूँगी। लहसुन अदरक को 40 सेकेंड तक मैं सोटे करूँगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब देखिए अब मैं चिकन ऐड करने लगी हूँ, इसको सोटे हो गए हमारा जीरा लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पे कढ़ाई के पीस इस तरह के ही होते हैं, बड़े थोड़े साइज के होते हैं क्योंकि यहाँ स्पेशल बनवाने पड़ते हैं, तो मैं इसको यूज़ कर लो कि बड़े पीसीस को भी कढ़ाई के लिए तो फ्राई करूँगी। और इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है लेकिन अभी भी हमें 15 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में क्योंकि कढ़ाई चिकन जो है ये अपना भी पानी छोड़ कर जब हम लोग नमक भी खत्म हो गया। मिर्च जो है मेरी बहुत तेज़ मिर्च है और बिल्कुल मैं 1/2 टीस्पून के करीब लूँगी और क्योंकि हरी मिर्च का भी इस्तेमाल है इसमें और नमक आप हंसते जाए इस्तेमाल करें। मीडियम 10 टमाटर मेरे पास, इनको अभी कट कर लिया और मैं अब इसमें ऐड करूँगी और साथ साथ टमाटर की भी बनाई हूँ मुझे और
चिकन के। मेरे पास फ्रीज है, अगर आपके पास दूसरे हैं बगैर उसके आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये हाई फ्लेम पे कढ़ाई चली गई है, इसका अल्लाह बारी से आप अब देखिए जो मैंने टमाटर डाले हैं, टमाटर भी अपना पानी छोड़े, कुछ फ्री सूप थे मेरे पास टमाटर, तो इसी के उस पर हमारा गोश्त भी अच्छा सा टेंडर होगा। टमाटर बिल्कुल मिक्स हो गए और अब घी छोड़ना शुरू कर दिया कढ़ाई। मैं देखिए इसी पॉइंट पे डालूंगी दही, कितनी 2 टेबल स्पून मैंने दही ऐड की है। ताकि आपके छिलके छिलका ना पड़े, अपने आप को भी बचाना है। कढ़ाई के शौक में कहीं पकाते पकाते कढ़ाई डाल दे आप। चिकन हमारा टेंडर हो गया है। अब इल्ज़ाम मैं अब इसमें डालूंगी लेमन 1 टेबल स्पून डाल दूँ, इसके साथ ही अदरक लंबी लंबी कटी हुई, इसमें 1 चम्मच पिसा गरम मसाला ऐड कर दूँ। सूरी मेथी है मेरे पास, इसको मैं मसल के और पूरी कढ़ाई में स्प्रेड कर दूँगी। ये आपने कितनी डाली है? तकरीबन 2 टेबल स्पून है। अब इसे कवर करेंगे? हाँ जी बिल्कुल। और आपने फ्लेम लो पे कर दिया? बिल्कुल। और कितने मिनट के लिए आपने इसे कवर कर दिया? बस ये 10 मिनट के लिए मैं कवर रखूँगी इसको, जब तक नान हमारे रेडी हो जाते हैं और फिर खाना लगाएंगे। देखिए हमारी सैलड भी रेडी हो गई है और साथ में हम लोग अब कढ़ाई को 5 मिनट हो गए दम पे लगाए हुए, 5 मिनट में और दूँगी फिर आपके साथ शेयर करूँगी कढ़ाई। मिनट हो गए मुझे दम पे लगाए हुए, लेकिन मैंने इसमें स्लाइसेस डालने थे लेमन के, वो अब डालिए। और उसके बाद देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा हिला भी दूँगी। अब आपने दोबारा से कवर कर दिया 5 मिनट के लिए? जी। खाना खाने के बाद हम लोग बाहर आउटिंग के लिए निकल गए, थोड़ा सा कॉफ़ी ली टिम हॉर्टन से और साथ में कुछ ग्रॉसरी करनी थी, तो हमने कहा चलते हैं सभी और एक सैर भी हो जाएगी बच्चों की और साथ में काम भी हो जाएगा। मेरा व्लॉग आपको पसंद आएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।